स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ मैथ मैजिक स्टैंडर्ड 5। टुडे वी आर गोइंग टू सी वर्कबुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4, पार्ट्स एंड होल्स। स्टूडेंट्स, आप सबने अपनी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन वीडियो तो देख ही लिया होगा। हमारे चैप्टर का नाम ही है पार्ट्स एंड होल। ये इंडिकेट करता है कि हमें इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट की शेप्स की बात करनी है, फुल साइज की और उसके पार्ट की। बराबर भाई, शेप के पार्ट को फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन यानी पार्ट। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को कैसे हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है, वो सब इस चैप्टर का मेन कंटेंट है। यानी कि अब आप मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शन सीखने जा रहे हो। आपने ये बुक का एक्सप्लेनेशन वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखा होगा। इस टेक्स्ट बुक के एक्सप्लेनेशन वीडियो में सारे कंटेंट बहुत ही अच्छी तरह से समझाए गए हैं। बराबर, ये टेक्स्ट बुक का जो भी कंटेंट है वो एग्जाम्पल के साथ साथ हमें एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोगों ने ये सब चीज अच्छी तरह से समझ ली होगी, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्कबुक में एक्सरसाइज और इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्कबुक। तो ये है वर्कबुक, यूनिट 4, पार्ट्स एंड होल्स। क्वेश्चन 1, डिवाइड द गिवन रेक्टेंगल्स इनटू 6 इक्वल पार्ट्स इन डिफरेंट वेज। भाई यहां पर हमें रेक्टेंगल्स दिए हैं 4 और कहा है कि हर एक रेक्टेंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। भाई कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। देखो, आपको स्केल और पेंसिल लेनी पड़ेगी। देखो, मैंने यहाँ पर ये स्केल रख दी और मेजरमेंट देखो इसका चेक करता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने मेजरमेंट स्केल रखी, 0 से 2.5 हो रहा है, ठीक है, 2.5। पर अगर मैं ये ऑपोजिट साइड से मेजर करता हूँ तो ये एग्जैक्टली 1 इंच हो रही है। ये साइड का मेजरमेंट कितना हो रहा है? 1 इंच। तो 1 इंच का एग्जैक्ट हाफ ये रहा, हाफ पॉइंट। तो मैंने यहाँ पर इसका हाफ पॉइंट पे नोट किया। एक दूसरा पॉइंट भी मैं बीच में ले लेता हूँ, ये रहा। आप बॉर्डर पे भी ले सकते हो ऐसे स्केल को उल्टा करके। और मैं बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन एक बना देता हूँ। तो देखो, अब ये रेक्टेंगल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, 1 और 2। हमें तो 6 पार्ट करने हैं, तो अब क्या करेंगे? देखो, अब यहां पर, अब यहां पर मैंने जो हॉरिजॉन्टल मेजर किया तो ये 6 सेंटीमीटर हो रहा है। देखो यहां पर परफेक्ट हो रहा है 6 सेंटीमीटर। बराबर, पर यहां पर ऐसे वर्टिकल लाइन में नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने इंच लिया था। मगर आप सेंटीमीटर भी ले सकते हो। 0 to 2.5 को बिल्कुल हाफ में डिवाइड करोगे तो 1.1 सेंटीमीटर और भी और 2.5 मेजर, ये जो मार्किंग है ना वो आगे जाना पड़ेगा, यानी कि 12.5 मिलीमीटर होता है। ये सब झंझट नहीं करनी पड़े, इसीलिए ऐसे इंच में ले लिया था क्योंकि इंच में परफेक्ट फिगर आ रहा है। पर अब यहां पर देखो सेंटीमीटर परफेक्ट हो रहा है 0 to 6। तो अब क्या करेंगे? 2 सेंटीमीटर पे टिक करेंगे। बराबर, यहां पर भी देखो
और फिर वर्टिकल लाइन बना देंगे। तो देखो क्या हो गया, 6 इक्वल पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो अब यहां पर देखते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, देखो 6 हो रहे हैं ना सेंटीमीटर, तो हम ऐसे ही कर देते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट्स बना दिए, मींस 1 1 सेंटीमीटर का डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो अब कुछ करना नहीं है, वर्टिकल लाइन बना दो। तो देखो ये 6 पार्ट हो गए, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, ऑल 6 आर इक्वल, ओके। और एक तरीका है, अब देखो ये यहां पर वर्टिकल 3 पार्ट किए थे ना, 1 2 3, तो उसी को हम मैं बिल्कुल नीचे ही है तो इसके साथ मिला के लाइन खींच लेते हैं। तो देखो क्या होगा, 3 इक्वल पार्ट हो गया, देखो 3 इक्वल पार्ट हुआ ना। अब अगर ये ऑल 3 पार्ट्स को डिवाइड करोगे ऐसे क्रॉस, देखो तो ये दोनों पार्ट सेम हुए। अगर ऐसे इसको भी करोगे तो ये भी 2 पार्ट सेम हो जाएंगे, और फिर इसको भी ऐसे कर लो। तो देखो ये भी 6 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6, ऑल 6 आर इक्वल पार्ट्स, है ना। चलो और एक रेक्टेंगल है हमारे पास, तो अब क्या करेंगे, देखो ये पहले तो मैं ये बीच की लाइन को नीचे खींच लेता हूं, तो ये देखो 2 इक्वल पार्ट हो गया। अब क्या करेंगे, देखो भाई यहां से 0 to 2.5 होता है, इसका मतलब है कि 1 cm = 10, ये 2 cm = 20 एंड अनदर 5 25 mm होता है भाई, 25 mm, 25 mm को 3 से डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट बनाना है, तो 8 3 = 24 होगा, बराबर। तो हम 8 8 mm ले लेते हैं, चलेगा, वो परफेक्ट तो नहीं होगा पर चलेगा। तो ये 8 और ये बराबर 8 और ये 16। अब इसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, तो देखो ये भी 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट हो गया, ठीक है। चलो तो आपको ऐसे अपनी वर्कबुक में डिवाइड कर लेना है। अब है क्वेश्चन 2, डिवाइड द गिवन स्क्वायर्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स इन डिफरेंट वेज। भाई यहां पर हमें 1 2 3 4 स्क्वायर्स दिए हैं, इसे हमें 4 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो सबसे आसान इजीएस्ट मेथड इज कॉर्नर टू कॉर्नर डिवाइड कर लो पहले। तो देखो ऐसे, ये हो गया और हो गया 4 पार्ट, 1 2 3 4, ऑल 4 आर इक्वल, ओके। नाउ हियर इसे बीच में बिल्कुल हाफ करना है, तो देखो ये एक 1 इंच नहीं है, तो सेंटीमीटर लेंगे, सेंटीमीटर में भी ये बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं हो रहा है, तो हम मेजर करेंगे, देखो 2.5 यानी 25, 26, 27, 28 मिलीमीटर हो रहा है, 28 मिलीमीटर, तो 14 मिलीमीटर हाफ होता है, तो ये 1 1 मीन्स 10 और ये रहा 14, तो हमने ये एग्जैक्ट इसके डिवाइड किया 2 पार्ट में, और
बना ली ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसे ही इसे डिवाइड करो, बराबर। चलो और जॉइंट करो, तो ये हो गया 1, 2, 3 एंड 4 इक्वल पार्ट, हो गया ना। चलो और एक करना है अभी, और दो करने हैं। तो चलो इसे पहले तो हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, तो 14 पर और यहाँ पर भी 14 पर मार्किंग कर लेते हैं, और ये बना दिया ऐसे 2 पार्ट। अब 2 पार्ट को ऐसे क्रॉस कर लो, तो देखो 1, 2, 3 एंड 4 इक्वल पार्ट हो गए। अब लास्ट लास्ट में क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो 28 मिलीमीटर होता है ना, तो 28 मिलीमीटर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिलीमीटर होता है, तो ये 5, 6, 7 मिलीमीटर, फिर 14 मिलीमीटर, फिर 21 मिलीमीटर, तो ऐसे 3 मार्किंग किए। सामने भी ऐसे ही कर लो, तो पहले तो 7, फिर 14, 21। चलो अब जॉइंट कर लो पॉइंट्स को, ठीक है। तो देखो भाई ये हो गया 4 पार्ट, 1, 2, 3 एंड 4। चलो तो भाई ऐसे हमने ये स्क्वायर को भी, ऑल 4 स्क्वायर्स को 4-4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हमें क्वेश्चन 3 दिया है, डिवाइड द गिवन ट्राइंगल्स इंटू 3 इक्वल पार्ट्स इन डिफरेंट वेज। भाई अब ट्राइंगल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे भाई? तो पहले तो कॉर्नर से ही स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो साइड है ना, 3 सेंटीमीटर की साइड हो रही है, तो 3 सेंटीमीटर का हाफ करेंगे तो ये 1.5 पर मार्किंग किया, ऐसे ही यहां पर भी ऐसे ही किया, और यहां पर भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। चलो तो फिर अब लाइन ऐसे बना लो, पूरी नहीं बनानी है, बीच तक लाके छोड़ देनी है, बराबर। देखो तो ये हो गया 3 इक्वल पार्ट, 1, 2 एंड 3, ठीक है। चलो अब फिर से सेकंड में भी कुछ ऐसा ही करना है। देखो ये बीच में पॉइंट बना लो, हाफ यानी कि ये जो 3 सेंटीमीटर है ना, तो 1.5 पे टिक कर लिया हमने, बराबर 1.5 ये रहा। अब पहले देखो कॉर्नर से स्टार्ट करके बीच तक लाए ना, अब बीच से स्टार्ट करके पॉइंट तक ले जाना है, कॉर्नर को छोड़ देना है ऐसे, बराबर। देखो पॉइंट को ये कॉर्नर के साथ मिलाना है, ठीक है। देखो हो गया, तो ये भी 3 पार्ट्स हो गए, 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। चलो अब ये 2 ऐसे डिवीजन हुए कि जो 3 पार्ट बने वो बिल्कुल सेम है, पर अब आगे ऐसे सेम पार्ट नहीं बना पाएंगे, बराबर। तो ये वैसे तो ये दोनों चीज, दोनों ट्रायंगल आपके सिलेबस से बाहर है, पर अब दिए हैं तो चलो मैं दिखाता हूं कैसे करोगे, बराबर। ये देखो 3 सेंटीमीटर हो रहा है ना, तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट मार्क किया,
तो ये साइड को हमने थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब ज्वाइंट करो, बराबर। तो थ्री ट्राइंगल बने, वन टू थ्री बने। तो यहां पर एरिया, ये जो एरिया कवर होता है ना, वो एरिया सेम है। तो सेम के लिए मैंने सब में डॉट बनाए, सेम है, पर शेप सेम नहीं है। तो हम एरिया तो डिवाइड कर सकते हैं पर शेप सेम नहीं होगा, ठीक है। तीन पार्ट बनाने हैं तो चलो और एक बचा है, तो उसमें क्या करेंगे। देखो ये थ्री है, ये थ्री में ये मैंने बीच में हाफ पर टिक किया, ये भी एग्जैक्ट हाफ, वन एंड हाफ पे टिक किया, बराबर। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो अप्रोक्सीमेट है, परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट के लिए कैलकुलेशन, एडवांस कैलकुलेशन करनी है, कर समझना पड़ेगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। पर यहां पर ये पिक्चर दिया है तो मैं आपको कैसे थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं वो मैं दिखा देता हूं। देखो ये बिल्कुल हाफ पे डिवाइड हुआ, तो हम हाफ से थोड़ा नीचे लेंगे, बराबर। वैसे तो ये बिल्कुल कैलकुलेशन करके लेना होता है, पर हाफ से थोड़ा नीचे, तो ऐसे, तो हमने ऐसे डिवाइड कर लिया, बराबर। ऊपर का कंसिडर नहीं करना है। अब नीचे जो बेस है उसे भी बीच में पॉइंट कर लेते हैं। चलो अब क्या करना है, बराबर। ये जो ऊपर बना वो ट्रायंगल बना, और ये नीचे अब बनेगा वो ट्रेपिजॉइड कहेंगे इसे, वो भी आपको अगले आगे बढ़ोगे तो अगले स्टैंडर्ड में आएगा। तो अब ये वर्टेक्स को ये मिडल पॉइंट के साथ जोड़ेंगे, पर पूरा नहीं, नीचे से ही। तो देखो ये हो गया तीन पार्ट, ये वन बना ट्रायंगल, टू एंड थ्री ट्रायंगल नहीं है, फोर साइड वाले क्वाड्रिलेटरल हैं, बराबर। पर ऐसे थ्री इक्वल पार्ट होंगे, इसका वन टू एंड थ्री का एरिया सेम होगा, ओके। चलो तो आपको ये फर्स्ट और टू ट्रायंगल याद रखने हैं, थ्री एंड फोर को निग्लेक्ट करना है। चलो आगे चलते हैं। अब है क्वेश्चन फोर। देखो भाई क्वेश्चन फोर में क्या कहा है, स्टेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो आर शेडेड। ओके, अब यहां पर देखो पूरा एक पिक्चर दिया है और इसमें पार्ट्स बनाए हैं, और कुछ पार्ट्स को शेडेड यानी कलर किया है। तो हमें ये बताना है कि कितने पार्ट में शेड किया है, कितना पार्ट अनशेडेड है। तो चलो ये फर्स्ट फिगर को स्टडी करो। ये फर्स्ट फिगर है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को सिक्स इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, भाई टोटल सिक्स पार्ट में डिवाइड किया है। तो सिक्स पार्ट्स में से शेडेड पार्ट कितना है, वन टू एंड थ्री। तो अब लिखेंगे कैसे, तो भाई टोटल पार्ट्स कितने बने हैं, सिक्स। तो हम लिख देंगे पहले तो ये सिक्स, फिर सिक्स में से थ्री पार्ट शेडेड है, तो सिक्स में से थ्री, तो उसे लिखेंगे ऐसे थ्री, और बीच में बनाएंगे लाइन। तो इसे हम कहेंगे फ्रैक्शन, क्या कहेंगे, फ्रैक्शन। टोटल सिक्स पार्ट है तो नीचे सिक्स लिखा, ऊपर सिक्स में से थ्री पार्ट, तो थ्री और नीचे सिक्स, इसे कैसे बोलेंगे, थ्री अपॉन सिक्स, थ्री आउट ऑफ सिक्स, ऐसा भी कह सकते हैं। भाई थ्री आउट ऑफ सिक्स पार्ट शेडेड हैं, इसका मतलब कि थ्री पार्ट बाकी अनशेडेड है, यानी कि एग्जैक्टली हाफ पार्ट अनशेडेड, हाफ पार्ट शेडेड है। भाई थ्री एंड सिक्स को वैसे भी आप डिवाइड कर सकते हो, कैसे डिवाइड करोगे, देखो थ्री सिक्स, थ्री का टेबल आपको आता है, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स,
तो अब ऐसे इसको बोलते हैं कटिंग, बराबर। तो बाकी न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वन बचेगा, नीचे टू बचेगा। भाई थ्री अपॉन सिक्स कहो या वन अपॉन टू कहो, दैट इज द सेम थिंग। ओके, कैसे सेम वो आगे समझेंगे, जैसे पढ़ते जाओगे आगे तो ये समझ में आएगा। चलो, तो थ्री अपॉन सिक्स कहेंगे या फिर इज इक्वल टू करके वन अपॉन टू ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर एग्जैक्टली हाफ हाफ होता है, थ्री पार्ट शेडेड थ्री पार्ट अनशेडेड। ओके, अब ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जैसे हमने ऊपर बनाया था वैसे नाइन पार्ट में यहां पर डिवाइड किया है। भाई नाइन पार्ट में से टू पार्ट ही शेडेड है, वन एंड टू, तो हम लिखेंगे टू और टोटल पार्ट नाइन है तो इसे लिख देंगे नीचे। भाई टू और नाइन को डिवाइड नहीं कर सकते तो हमें इसे ऐसे ही रखना पड़ेगा, बराबर। टू पार्ट्स आर शेडेड। ओके, चलो यही तो फ्रैक्शन है, ये देखो शुरुआत हो गई फ्रैक्शन की। चलो आगे चलते हैं, थ्री नंबर में, थ्री नंबर में ये स्क्वायर है, स्क्वायर को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि टोटल पार्ट है सिक्सटीन, तो हम ऐसे लिख देते हैं सिक्सटीन। अब शेडेड कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट पार्ट है शेडेड, तो हम कहेंगे एट आउट ऑफ सिक्सटीन, एट अपॉन सिक्सटीन, ठीक है। तो देखो ये थ्री अपॉन सिक्स जैसा ही है, देखो एट पार्ट शेडेड हुए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट पार्ट अनशेडेड है, जितने शेडेड उतने ही अनशेडेड, बराबर। तो हमने ऐसे लिखा एट अपॉन सिक्सटीन, तो एट का टेबल बोलो, एट वन जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, तो ये भी तो हुआ वन हाफ, बराबर। टोटल सिक्सटीन पार्ट में से एग्जैक्टली हाफ पार्ट शेडेड हैं, तो इसे वन हाफ लिख सकते हैं हम। वैसे भी मैंने कटिंग करके बताया ना, एट वन जा एट, एट टू जा सिक्सटीन। चलो आगे चलते हैं, यहां पर भी स्क्वायर है फोर में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन पार्ट है, तो लिख दो पहले तो सिक्सटीन। सिक्सटीन में से ये बीच के फोर पार्ट शेडेड है, वन टू थ्री फोर, तो भाई फोर अपॉन सिक्सटीन यानी कि फोर आउट ऑफ सिक्सटीन, सिक्सटीन पार्ट बनाए हैं उसमें से फोर पार्ट शेडेड है। भाई इसे भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, देखो भाई यहां पर हमने लिखा फोर आउट ऑफ सिक्सटीन, फोर अपॉन सिक्सटीन, फोर का टेबल बोलो, फोर वन जा फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, वन अपॉन फोर, बराबर। यानी कि वन फोर्थ पार्ट शेडेड है, बराबर, वन फोर्थ पार्ट शेडेड है। चलो देखो वन फोर्थ पार्ट में समझाता हूं, भाई सिक्सटीन में से फोर पार्ट, तो हर एक फोर पार्ट में से वन पार्ट शेडेड है, देखो कैसे। तो ये मैंने ऐसे डिवाइड किया, तो देखो वन टू थ्री फोर में से ये वन शेडेड, वन टू थ्री फोर में से ये वन शेडेड, बराबर हो गया ना। अब मानो कि ये फोर को उठा के एक कॉर्नर में रख दो, ये शेडेड पार्ट को यहां पर रख दो, तो बड़ा सा ये पार्ट शेडेड हो जाएगा, वन टू थ्री अनशेडेड होगा, बराबर। तो चलो ऐसे हमने ये शेडेड पार्ट लिख दिया, इसे कहते हैं फ्रैक्शन, पेज को टर्न करते हैं। यहां पर है नंबर फिफ्थ, भाई यहां पर ये फिफ्थ नंबर है ना, ऑक्टागोन है, बराबर, एट साइड वाला, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट साइड, एट साइड में से ये इतना पार्ट शेडेड है। तो भाई एट कैसे बनता है, अगर आपको पूरा बनाना है
तो ऐसे ये फिगर को कंप्लीट कर सकते हो ऐसे, बराबर। नॉट डिफिकल्ट, कॉर्नर टू कॉर्नर सामने आमने सामने ज्वाइंट कर लो तो मालूम हो जाएगा कि ये 80 है, बराबर। तो चलो ये टोटल 8 पार्ट हो रहा है, 1 पार्ट शेडेड है, तो 8 टोटल पार्ट और सिर्फ 1 पार्ट शेडेड, तो हम कहेंगे 1/8, बराबर ना, 1/8। चलो अब है 6 नंबर। भाई 6 नंबर में एक वर्टिकल रेक्टेंगल दिया है खड़ा, तो इसमें कैसे करेंगे? तो भाई ये देखो, एक छोटा सा पार्ट दिया है शेडेड और बाकी का मार्किंग नहीं किया है, तो हमें मार्किंग अपने आप कर लेना है, देखो, बराबर। अब क्या लग रहा है आपको, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये तो ऊपर का एक पार्ट बना और ये तो बहुत बड़ा पार्ट बना, इसका मतलब ये है कि इसमें भी 2 पार्ट बनाने होंगे हमें, बराबर। तो ये मैंने बना लिए 2 पार्ट। देखो अब आप बताओ टोटल कितने पार्ट हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 पार्ट में से ये 1 पार्ट ही शेडेड है, तो हम कहेंगे 1/6, 1/6, ठीक है ना। चलो अब देखो ये 7 नंबर, 7 नंबर में जो पीछे 3 और 4 नंबर में दिया था ना, वैसा ही रेक्टेंगल दिया है और रेक्टेंगल में ऐसे, बराबर, क्या ऐसे कितने पार्ट बन रहे हैं, देखो 16 पार्ट बनेंगे, देखा। चलो इसको भी मैं अंदाज से ही मैं डिवाइड कर देता हूं, तो अब बताओ आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पार्ट हुए, 16 में से सिर्फ 2 पार्ट शेडेड है, तो हम लिखेंगे 2/16, 2/16, ठीक है ना, 2/16। भाई अब ये 2 और 16 तो डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो इज इक्वल टू करके हम कह सकते हैं 1/8, 1/8, 1/8। देखो कितनी 3 तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है ना भाई। 2/16 कहो या 1/8 कहो, सेम ही है, 16 पार्ट में से 2 पार्ट शेडेड है, तो इसका मतलब 8 पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड है। चलो अब है ये 8 नंबर, क्या कहा है 8 नंबर में, देखो 8 नंबर में भी पिक्चर कंप्लीट नहीं किया है उन्होंने, नहीं किया है तो हम कर लेते हैं भाई, क्योंकि अब तो आप लोग मास्टर हो गए हो ना, कितनी फिगर बनाई। चलो इसे भी ज्वाइंट कर लो ऐसे, ठीक है। अब बोलो कितने पार्ट्स हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15। भाई 15 पार्ट टोटल होते हैं, तो लिख दो 15। 15 में से कितने पार्ट शेडेड है, 1, 2, 3, 4, 4/15, 4/15 ऐसे हम बोल सकते हैं, यहां पर 4 और 15 को डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो तो ये एक्सरसाइज नंबर 4 हो गई, बराबर। हमें शेडेड पार्ट का एरिया लिखना था, लिख लिया। अब चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, कलर द फिगर्स एज पर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन जैसे हमें बताया गया है वैसे कलर करना है। देखो नंबर 1 में एक बड़ा सा रेक्टेंगल है, 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट, 5 वर्टिकल पार्ट बना के डिवाइड किया है, देखो 5 इक्वल पार्ट है, और यहां पर हमें कहा है 3/5, 3/5, यानी कि ये 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट को ब्लू कलर से करो कलर,
तो ये रहा मेरे पास ब्लू कलर और मैं कर देता हूँ ये थ्री पार्ट को कलर, बराबर ना। आपको भी ऐसे कलर करके थ्री पार्ट ब्लू बनाने हैं, बराबर। देखो हो गया ये। चलो अब नेक्स्ट में नेक्स्ट चलते हैं। आपको थोड़ा अच्छा कलर करना है। अब टू, ये नंबर टू में सर्कल दिया है, सर्कल को डिवाइड किया है। देखो वन टू, बराबर। ऐसे फोर पार्ट में डिवाइड किया और हर एक पार्ट को और डिवाइड किया। ऑक्टागोन ये जो ऊपर बना था ना वैसे ही है। देखो ऊपर ऐसे था एट साइड वाला, तो ये भी एट साइड ही है, बराबर। तो सर्कल को एट पार्ट में डिवाइड किया है और हमें कहा है 5/8, 5/8 रेड करो, यानी कि टोटल एट पार्ट्स में से 5 पार्ट को रेड करो। 5 कहाँ होता है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, इतना 3 पार्ट्स को बाकी रखना है। तो चलो पूरे में ऐसे ही कर लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा ना, ठीक है ना। चलो ये एक पार्ट नीचे जाने देना पड़ेगा। चलो तो भाई ये तो हो गया हमारा 5/8 रेड। ओके अब क्या कहा है, देखो नंबर थ्री में कहा है 3/9 रेड, 3/9 ग्रीन। भाई टोटल 9 पार्ट है, देखो ये रेक्टेंगल है, 9 पार्ट है, 9 पार्ट में से 3/9 रेड करो, 3/9 को ग्रीन करो और बाकी का 3 को छोड़ दो, तो 3/9 रेड, बराबर। भाई यहाँ कुछ डिफरेंट करना है क्या, डिफरेंट करना है भाई? डिफरेंट अगर करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं डिजाइन, हाँ, पर टाइम जाएगा। देखो ये हुआ, फिर यहां पर करो, बराबर, और ये करो, ये 3/9, टोटल 9 पार्ट में से 3 रेड हो गया भाई हमारा। अब कहा है ग्रीन, 3/9 ग्रीन करो, तो ये मैं बीच में करता हूं जानबूझ के, ठीक है, और ये दो नीचे, तो भाई देखो 3/9, 3/9 रेड, 3/9 ग्रीन, और ये 3/9 हम कहेंगे व्हाइट, बराबर ना। टोटल पार्ट अगर सबके सब रेड कर देते तो क्या लिखते, 9/9 रेड लिखते ऐसे, बराबर। पर हमने ऐसे नहीं किया, हमने तो जैसे कहा वैसे किया, 3/9 रेड, 3/9 ग्रीन और 3/9 व्हाइट, अपने आप बच जाते हैं। चलो अब नंबर फोर में हमें 1/3 ऑरेंज, 1/3 ब्लैक करना है। देखो इसके लिए मैं आपको नीचे समझाता हूं भाई, ये टोटल पार्ट तो 6 है पर यहां तो 1/3 कहा है, 1/3। अगर ये लेफ्ट साइड के 3 पार्ट को ही कंसीडर करेंगे तो 1/3, और राइट साइड पे अनदर 3 आर गिवन, 1, 2 एंड 3, बराबर। तो हमें इसमें से भी 1/3 लेना पड़ेगा, यानी कि हमें 1/3 वन टाइम और 1/3 टू टाइम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो पहले तो ये लेफ्ट साइड के 3 में से 1 में ऑरेंज कलर कर देते हैं। देखो ऐसे, ठीक है, और राइट साइड में भी कर देते हैं,
टोटल सिक्स में से टू पार्ट ऑरेंज हुए। ऐसे ही हमें वन अपॉन ट्री ब्लैक करना है, तो लेफ्ट साइड के ट्री में से वन में ब्लैक करेंगे ये, बराबर। और यहां पर भी कर लेते हैं, तो वन आउट ऑफ थ्री इट मीन्स टू आउट ऑफ सिक्स। भाई हम ऐसे कर सकते हैं, देखो मैं यहां पर दिखाता हूं, वन अपॉन थ्री पर टोटल पार्ट तो सिक्स है, सिक्स कैसे आएगा, तो इसे टू से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो वन टू जा टू, थ्री टू जा सिक्स, हो गया ना सिक्स, टोटल पार्ट सिक्स है, सिक्स में से टू पार्ट को हमें ऑरेंज करना है, टू पार्ट को ब्लैक करना है, बराबर। वन अपॉन थ्री कहो या टू अपॉन सिक्स कहो, दैट इज वन एंड सेम, हो गया है। चलो और भी है क्वेश्चंस हमारे पास, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फाइव नंबर, भाई फाइव नंबर में तो बहुत पार्ट बनाए हैं, कितने पार्ट है देखो, फोर अपॉन ट्वेंटी वायलेट करो, टेन अपॉन ट्वेंटी ब्लू करो और सिक्स अपॉन ट्वेंटी ग्रीन करो, यानी कि सब में ट्वेंटी ट्वेंटी नीचे लिखा है, इसका मतलब है ट्वेंटी पार्ट है। देखो कैसे, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव, भाई वर्टिकल में फाइव है, ये फोर है, तो फाइव फोर जा ट्वेंटी, ट्वेंटी पार्ट टोटल है। इसमें से फोर पार्ट हमें करने हैं वायोलेट, बराबर। तो ये है मेरे पास वायोलेट कलर और मैं करता हूं फोर पार्ट को वायोलेट। भाई आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, बराबर। फोर पार्ट, तो देखो ये हो गया फोर पार्ट, चलो। तो हम वायलेट के लिए कह सकते हैं टोटल ट्वेंटी पार्ट में से फोर पार्ट है वायलेट, टेन आउट ऑफ ट्वेंटी ब्लू, भाई टेन पार्ट को ब्लू करना है, बराबर। तो कैसे करेंगे, देखो पहले तो ये फोर ऑल कर लेते हैं, फोर बराबर, ये भी अगर चाहो तो कर लो फोर, चलो एट पार्ट हो गया। और करने हैं दो पार्ट और, तो तभी तो टेन होगा ना, तो देखो ये और यहां पर ये, चलो भाई ऐसे ये 10 आउट ऑफ 20 हो गया। अब करना है ग्रीन कलर 6 में, तो बाकी 6 ही बचा है देखो, बराबर। तो देखो यहां पर 2 4 अपॉन 20, 10 अपॉन 20, 6 अपॉन 20, यानी टोटल पार्ट 20 है। भाई वायलेट को 4 दे दिए, ब्लू को 10 दे दिए और बाकी जो 6 बचा वो ग्रीन को दे दिए, बराबर। तो ऐसे ये बड़ी सी चॉकलेट, मान लो कि एक बड़ी सी चॉकलेट है, 20 पार्ट किया और तीन पर्सन है, देयर आर थ्री पर्सन, वायलेट ब्लू और ग्रीन, और सबके बीच में ये चॉकलेट डिवाइड करनी है, तो भाई सबसे ज्यादा ब्लू को मिल गई 10, फिर ग्रीन को 6 पार्ट मिला और वायलेट को सिर्फ 4, बराबर। तो चलो बाकी का जो है वो ग्रीन कलर कर देते हैं ऐसे। तो देखो ऐसे हमने ये चॉकलेट को डिवाइड कर ली, बराबर, ओके। अब आपके लिए कुछ होमवर्क दें क्या, चलो अब क्या करना है, सिक्स नंबर देखो, सिक्स नंबर में वन अपॉन फोर अपॉन ट्वेल्व ब्लैक करना है, वन अपॉन टू रेड करना है, टू अपॉन ट्वेल्व येलो करना है, बराबर।
तो देखो यहाँ पर टोटल 12 पार्ट ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 पार्ट है। 12 पार्ट में से 4 को करना है, क्या करना है, ब्लैक। भाई ये अब जरा समझो, यहां पर मैं यहीं पर समझा देता हूं। 4 देखो 4 अपॉन 12 है, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो अगर हमें ऐसा कहा होता कि भाई 1/3 पार्ट को ब्लैक करो, तो देखो ये 3 पार्ट है इसमें से ब्लैक करो, ये 3 है उसमें से ब्लैक करो, ये 3 है उसमें से ब्लैक करो, और ये 3 उसमें से भी ब्लैक करो। तो देखो टोटल कितने हुए, 4 हो गए ना। तो 4/12 कहेंगे या 1/3 कहेंगे, सेम ही है, बराबर। चलो तो इसमें लाइन में सब में एक साथ कर देते हैं ऐसे, देखो ये 4 पार्ट ऑल ब्लैक। चलो फास्ट हो गया, देखो कितना जल्दी जल्दी हो गया। 1/2 रेड, देखो हुआ यहां पर आया, देखो 1/2 रेड। 1/2 रेड का मतलब क्या है भाई, 1/2 रेड इसका मतलब है कि अगर ये 12 है तो 12 में से बिल्कुल हाफ, बराबर बिल्कुल हाफ रेड कलर करना है भाई। 1/2 इसका मतलब है कि अगर चॉकलेट का 2 पार्ट किया तो 1 पार्ट में रेड चाहिए, बराबर। 4 पार्ट किया तो 2 में चाहिए, जितने पार्ट करो उसमें से आधे हाफ पार्ट चाहिए रेड। तो अब तो यहां पर हमने 6 पार्ट किए हैं, तो 6 में से बिल्कुल हाफ कितने होंगे, सॉरी टोटल पार्ट 12 किए हैं हमने, तो टोटल 12 में से बिल्कुल हाफ पार्ट कितने होंगे, 6 होंगे। तो हमें 6 पार्ट रेड करना पड़ेगा, तभी तो 1/2 होगा। तो चलो ये देखो, ये हो गया 1/2 रेड, यानी कि टोटल पार्ट 12 उसमें से बिल्कुल हाफ, बराबर। चलो अब 2/12 फिर से देखो, अभी ये टोटल पार्ट की जितने हैं वही लिखा है यहां पर, टोटल पार्ट 12 है, 2 पार्ट को येलो करो। तो अब हमारे पास ये 2 पार्ट ही बचे हैं, येलो कर देते हैं। चलो हो गया भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में 7 नंबर, भाई 7 नंबर में क्या कहा है, देखो 4/16, टोटल 16 पार्ट है देखो यहां पर, उसमें से 4 पार्ट को ब्लू करो, 8 पार्ट को पिंक करो, 4 पार्ट को ब्राउन करो। भाई ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, बराबर आपके लिए, यानी आपको होमवर्क करना है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये 8 नंबर भी, 8 नंबर भी आपको खुद ही करना है। चलो 8 में क्या है, टोटल 16 पार्ट है, 2/16 यानी 2/16, बराबर 2 पार्ट को येलो करना है, 8/16 यानी कुल टोटल में से 8 पार्ट को वायलेट करना है, और बाकी बचे जो 6 है इसे करना है ग्रीन। चलो तो ये आपको अपने आप खुद करना है। आगे चलते हैं, कहाँ चलते हैं आगे, ये रहा क्वेश्चन 6। भाई क्वेश्चन 6 में क्या कहा है, देखो क्वेश्चन 6 में कहा है कि रिप्रेजेंट द कलर्ड एंड अनकलर्ड ऑब्जेक्ट एज फ्रैक्शन। भाई कलर्ड यानी शेडेड, शेडेड को, और अनशेडेड यानी क्लियर अनकलर्ड पार्ट है ना, इसे फ्रैक्शन के तौर पे आप लिखो। कैसे लिखोगे भाई, देखो चलो तो देखो, सबसे पहले तो काउंट कर लो कितने ऑब्जेक्ट दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, भाई कुल मिला के 7 ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो ऐसे टोटल जो जितना होगा ना वो नीचे लिखना है, 7 लिख दिया। अब फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट, कलर्ड कितने हैं 7 में से, 2 है,
तो लिख दिया 2/7। अनकलर्ड कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, तो लिख दिया 5। बराबर, टोटल तो 7 हुए ना, 2 + 5 = 7 हो गए, बिल्कुल इजी है। चलो ऐसे ही आगे लिखना है, नीचे आइसक्रीम के कॉन्स दिए हैं। चलो कॉन्स कितने हैं वो देखो, पहले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। भाई 10 है तो लिख दो पहले तो 10। टोटल पार्ट है वो नीचे लिखने हैं, इसे डेनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर। ओके, उसमें से ऊपर यानी न्यूमरेटर, बराबर ऊपर जो लाइन के ऊपर फिगर होगा ना उसे कहते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर। चलो तो न्यूमरेटर में जितने पार्ट शेडेड है कलर्ड है वो लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5। भाई टोटल 10 कॉन में से 5 कॉन कलर्ड है, यानी बिल्कुल आधे, 5/10, आधे 5/10। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो हम लिख सकते हैं 1/2। देखो दो आंसर आए, जैसे जहां पर कट हो सकता है वहां पर ऐसे कट करके लिख सकते हो आप 1/2, यानी कि हर एक 2 कॉन में से 1 कॉन कलर्ड है। अगर 4 कॉन होता तो 2 कलर्ड होता, ऐसे 10 कॉन है तो 5 कलर्ड है और बाकी के 5 कलर्ड नहीं है। तो यहां पर भी कट करके हम 1/2 लिख सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे यानी कि पेज को टर्न किया हमने 52 नंबर के पेज पर। यहां पर चॉकलेट दी हुई है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 चॉकलेट्स है, तो लिख देते हैं पहले तो ऐसे 6। 6 में से कलर्ड कितनी है, 1, 2, 3, तो लिख दिया 3/6, यानी कि बिल्कुल वो कॉन की तरह ही है। भाई कॉन 10 थे, यहां पर चॉकलेट 6 है, 6 में से 3 कलर्ड है, कट कर सकते हो 3/1 = 3, 3/2 = 6। देखो टोटल 6 में से एग्जैक्टली 3 कलर्ड है, तो आधी 50% हो गई, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और अनकलर्ड कितनी है, वो भी 3/6 ही है, 6 में से 3, इसे भी कट कर से करके ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे यहां पर कुछ दिया है ऐसे स्माइली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्माइली है, तो 8 लिख दिया हमने पहले तो। 8 में से कलर्ड कितनी है, 1, 2, 3, 4, एग्जैक्टली 4 कलर्ड है भाई। यहां पर भी 4 और 8, एग्जैक्टली 8 में से 4 कलर्ड है, तो कट कर सकते हैं 4/1 = 4/2, तो 8 में से आधे नंबर यानी 4 कलर्ड है, 2 में से 1, बराबर 4 में से 2, 6 में से 3, 8 में से 4। चलो 4 अनकलर्ड है, चलो 4/1 = 4/2, अरे 1/2 लिखना पड़ेगा, ये ऐसे 1/2। चलो तो ये हो गया फ्रैक्शन, बराबर। चलो इसी के साथ 6 एक्सरसाइज हमने कर ली, बराबर ना। ये 7 नंबर डू इज डायरेक्टेड से आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आपको अच्छी तरह से सारी एक्सरसाइज समझ के कर लेनी है। टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट में आगे की एक्सरसाइज करेंगे, तब तक गुड बाय।